हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम अपना फर्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है, जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है। और राइट, सो लास्ट वीडियोस में हमने उसका टॉपिक का मीनिंग, कंटेंट, उसका हमने नेचर, फीचर्स, इम्पॉर्टेंस और उसके लेवल्स जो लास्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे थे, वो हम अभी लेवल्स कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने टॉप लेवल और मिडिल लेवल देख रखा था, अभी हमको देखना है सुपरवाइजरी लेवल। ओके, सो अब ये सुपरवाइजरी लेवल, या इसको हम ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं या तो इसको हम लोअर लेवल भी बोलते हैं, तो ये होता क्या है पहले हमको ये समझना है, ठीक है। सो जो टॉप लेवल है वो हमने देखा कि वो मैनेजमेंट के सारे जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं कंपनी के, वो वहाँ पे रहते हैं। मिडिल लेवल में जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो रहते हैं। सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल में कौन होता है, मतलब जहाँ पे आप वर्कर्स काम करते हैं, फोरमैन काम करते हैं, वो लेवल को हम सुपरवाइजरी या लोअर लेवल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो जो रहते हैं वो रहते हैं सुपरवाइजर्स, मतलब जो लोगों को देखता है, गाइड करता है, सुपरवाइजर्स रहते हैं। फिर इसमें फोरमैन रहते हैं, वर्कर्स के जो लीडर्स रहते हैं, फोरमैन, ठीक है। इसमें सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं, जैसे हमने मिडिल में देखा था कि डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं, इसमें जो उनके अंडर काम करते हैं उसको हम कहते हैं सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स, वो रहते हैं। क्लर्क रहते हैं, ये सारे लोग आ जाते हैं हमारे लोअर लेवल में, मतलब जो वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं हमारी कंपनी के, जो एकदम मतलब ऑपरेशनल लेवल पे या जो हमारे फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको जो मैनेज करता है वो सब आ जाते हैं लोअर लेवल पे, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया कि उनका काम क्या होता है, बेसिकली मैनेज करना वर्कर्स को, उनसे काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कराना, ये उनका बेसिक फंक्शन होता है। उसके अलावा क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये अभी हमको यहाँ पे देखने का है, ठीक है। सो लास्ट वीडियोस में भी हमने फंक्शंस देखे थे दोनों लेवल्स के, अभी यहाँ पे थर्ड लेवल का फंक्शन हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो फर्स्ट फंक्शन है हमारा रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम एंड ग्रीवियंसेस ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो अगर आप एक सुपरवाइजर हैं, अगर आप एक फोरमैन हैं, तो आपके जो वर्कर्स हैं उनको अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ इश्यू है या कोई ग्रीवियंसेस है, तो वो डायरेक्टली जाके आप अपने कंपनी के चेयरमैन को या अपनी कंपनी के सीईओ को नहीं बोल सकते, बिकॉज वो चेन नहीं है, वो स्केलर चेन फॉलो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए वो किसको बोलेगा, आखिर जो उसका बॉस होगा, जो मतलब डायरेक्ट बॉस होगा, वो उसी को बोलेगा। तो या तो वो अपने सुपरवाइजर को बताएगा या तो अपने सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव को बताएगा, तो वो जो उनका प्रॉब्लम है या ग्रीवेंसेस है वो मिडिल लेवल और मिडिल वाले हायर लेवल तक पहुंचाते हैं। तो इस तरीके का स्केलर चेन फॉलो होता है। तो इनका जो बेसिक प्रॉब्लम होता है कि अगर आपके वर्कर को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उनको चेन के थ्रू टॉप लेवल तक पहुंचाते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा सेकेंड, वो है मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन, ठीक है। ऑब्वियसली आपके वर्कर्स जहाँ पे अगर गुड वर्किंग कंडीशन नहीं रहेगा तो कोई भी वहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको अच्छा ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी देना, वो प्रॉपर वेंटिलेशन फैसिलिटी देना, ऐसा नहीं कि कोई छोटे से रूम में बिठा दो, बहुत सफोकेशन होता रहे, तो वहाँ पे काम करना पॉसिबल नहीं है। तो अच्छा ड्रिंकिंग फैसिलिटी होना चाहिए, प्लस हमारा वेंटिलेशन फैसिलिटी होना चाहिए, प्लस ट्रैवलिंग अलाउंस हम कह सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के उनको, मतलब उनका जो वर्किंग कंडीशन है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए, कि जहाँ पे वो खुशी खुशी अपना 100% काम का दे सके। तो उस तरीके का जो कंडीशन मेंटेन करना है वो किसका काम होता है, लोअर लेवल का, ठीक है। फिर आता है हमारा लुकिंग फॉर सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, फाइन। सो सेफ्टी ऑफ वर्कर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एकदम लोअर लेवल पे काम करते हैं वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं, ठीक है। और आप जब लोअर लेवल पे काम करते हो तो आपको डेली मशीनरी में डील करना है, केमिकल से डील करना है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक का भी शॉक हो गया, कोई केमिकल रिलीज हो गया, कोई मशीनरी किसी के ऊपर गिर गई, तो वहाँ पे हैवी एक्सीडेंटल चांसेस बने रहते हैं। तो ये सुपरवाइजर्स का और सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव्स का काम बनता है कि वो जो काम कर रहे हैं उसको सेफ बना के रखें, मतलब प्रॉपर टाइम पर उनका चेकिंग रिपेयरिंग करते रहें, ताकि कभी वहाँ पे एक्सीडेंट होने के, देखो एक्सीडेंट्स आप वी कैन से रिस्क है, बना रहेगा, लेकिन हमारा ड्यूटी है कि उसको कम करें, ठीक है। अगर हम डेली उसका डेली मतलब जब भी प्लस टाइम है हम उसको रिपेयर करते रहें, चेक करते रहें, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस वहाँ पे कम हो जाएंगे। तो ये काम होता है हमारे ऑपरेशनल लेवल वालों का, फाइन। फिर आता है हमारा ट्राई टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, यस, क्योंकि मेन जो काम है वो वही कर रहे हैं, लोअर लेवल वाले कर रहे हैं, लाइक वो प्रोडक्शन के काम में जाते हैं, जो एक्चुअली कंपनी का प्रोडक्ट है वो वही बनाते हैं। और अगर उनसे गलती होती है तो आपके पूरा मतलब जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो बहुत नीचे आ जाता है, और उसकी वजह से मार्केट में फिर आपका सेल्स नहीं हो पाएगा, अल्टीमेटली आपकी कंपनी को लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो मतलब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर जो भी आप प्रोडक्शन का काम कर रहे हो, ऑपरेशन का काम कर रहे हो, उसको आप 100% अपना इससे करो, मतलब 100%
स्टूडेंट मोटिवेट होकर 100% अपना आउटपुट इनपुट डाल के आउटपुट निकालो, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो पूरा कंपनी पे आ जाएगा वो। तो इसलिए उनको जो भी प्रोडक्ट बनाना है वो अपना, मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं कि आप डिस्ट्रैक्टेड उनके साथ पढ़ाओ या फिर कोई आपका दिमाग कहीं और काम कुछ और कर रहे हो तो उसमें क्वालिटी खराब हो जाएगी प्रोडक्ट की, तो वैसा करना नहीं है। ये भी देखना किसका काम है, हमारे सुपरवाइजर्स का और हमारे सब डिपार्टमेंटल हेड्स का। और उसके बाद लास्ट जो आता है वो है रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, सो जो मोरल ऑफ द वर्कर्स है वो भी बूस्ट होगा कब, जब हमारे सुपरवाइजर्स उनको मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स देंगे, कुछ ना कुछ मोटिवेशनल फैक्टर्स देंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास घर नहीं है तो वो कहेंगे कि ठीक है आप अच्छे से काम करो, हम आपको घर के लिए लोन दिला देंगे। अगर किसी को कुछ आगे स्टडी करना है या आपके बच्चों को स्टडी करना है तो उसमें हम हेल्प कर सकते हैं। मतलब हमको उनको मोटिवेट करके रखना है कि वो आपके लिए 100% देके काम करें। ठीक है, अगर हम उनको कुछ मोटिवेट नहीं करेंगे, कुछ अच्छा सैलरी भी नहीं देंगे तो वो कुछ दिन काम करेगा, उसको कहीं और काम मिल जाएगा तो वो चला जाएगा। तो अगर हमको एफिशिएंट वर्कर्स को बना के रखना अपने साथ तो उनको मोटिवेट करना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो पांचों फंक्शंस हैं वो हमारे लोअर लेवल वाले, मतलब सुपरवाइजर्स, फिर हमारे सब डिपार्टमेंटल हेड्स, क्लर्क, ये लोग सभी काम करते हैं। तो इनका रोल जितना एक टॉप लेवल का रोल इंपॉर्टेंट है उतना ही इनका भी रोल, उनसे कहीं ज़्यादा इनका रोल इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए जो तीनों लेवल्स हैं वो अपनी अपनी जगह पे सब इंपॉर्टेंट है। तो वी कांट से कि एक टॉप है, मिडल है, लोअर है, ईच लेवल इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर आपको डिटेल कंटेंट चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए तो एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर RGT क्लासेस करके ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।